हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मेरे स्टूडियो ट्रिक को बहुत सराहना दी है, जितना भी प्यार दिया है बहुत है मेरे लिए, और आपने मेरे वीडियो लाइक्स भी किए, सब्सक्राइब भी किए, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। पिछले दिनों मैंने कुछ कलर्स के वीडियो बनाए, शुरुआत तो मैंने की थी पेंसिल से। आपको याद होगा पहले एपिसोड से लाइन से हमने शुरू किया था, मगर पेंसिल मैंने बीच में कुछ रोक दिया है, थोड़ा सा कलर्स पे आ गया। तो कलर्स की पेंटिंग आपने देखी है, तो आज हम बात करते हैं कुछ कलर्स के बारे में कि कलर्स क्या है, मेन कलर्स कितने हैं और कैसे कैसे हम उसकी अलग अलग शेड बना सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आज वीडियो में कुछ कि कलर्स की मैचिंग, मिक्सिंग और शेडिंग हम कैसे बनाते हैं और कौन से मेजर कलर है जो हमें कम से कम हमारे पायलट पे चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पायलट पे कुछ कलर्स है, ये है रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक और ये वाइट। वैसे तो रेड, येलो और ब्लू ये तीन मेजर कलर है, मगर ब्लैक एंड वाइट के बगैर ये अधूरे हैं। बाकी दो शेड्स मैंने एक्स्ट्रा लेके रखे आगे कुछ पेंटिंग बना के दिखाने के लिए। तो हम बात करते हैं इन कलरों की, तो आइए इससे कौन से कलर क्या मिक्स होकर बनते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, ये है रेड, ये येलो, और ये ब्लू। यही तीन वो कलर है जिससे बाकी कलर्स हम मिक्स करके बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि रेड और येलो, ये येलो थोड़ा सा लिया और ये रेड, तो ये हो गई हमारी ऑरेंज शेड। अब इस ऑरेंज शेड को अगर ज़्यादा लाइट करना चाहते हैं हम कि लाइट ऑरेंज चाहिए, तो थोड़ा सा और येलो बढ़ा दिया हमने इसमें। ठीक है, ये हो गया येलो और रेड से ऑरेंज। अब आते हैं येलो और ग्रीन पे, तो ये है येलो और ये ब्लू, इसको मिलाते ही ये हो जाएगा ग्रीन। अब आ जाते हैं, पहले हमने मिलाया रेड और येलो बना ऑरेंज, फिर येलो और ब्लू मिलाया बना ग्रीन, अब रेड और ब्लू मिलाते हैं। ये रेड है, फिर ये हल्का सा इसमें मिलाया ब्लू, तो ये कुछ बन गया पर्पल सा। ठीक है, ये हो गया पर्पल। बाकी कलर्स में अब जो चेंज करते जाएंगे हम, इसमें शेड लाइट और डार्क करने के लिए ज़्यादातर हम वाइट का यूज़ करते हैं, तो ये पर्पल में वाइट मिलाया, ये हो गया लाइट पर्पल। रेड और ब्लू को, ब्लू की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लो तो ये डार्क ब्राउन सा हो जाता है, और मगर इसको प्योर ब्राउन देने के लिए हमको थोड़ा सा ब्लैक का टच देना पड़ेगा, जिससे कि ब्राउन आपको इसका डिफरेंस दिखाई पड़े। ये ब्राउन में शेड हो गई है। ये तो हुए मेजर कलर,
ये डार्क ब्राउन, ब्राउन डार्क ब्राउन, पर्पल, लाइट पर्पल, ऑरेंज, येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन। जब इन कलरों से काम चल सकता है तो कंपनी ने इतने सारे कलर शेड्स क्यों बना के दिए हमें? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो भी आर्टिस्ट काम करने बैठता है तो वो बहुत आसानी से अपने शेड, उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, रेडी शेड मिलेंगे और वो अपना काम आसानी से कर सके। तो ये है लाइट ब्लू, रेडी है। इसमें जैसे मिलाते जाओ आप कलर चेंज करते जा रहे हो, देख सकते हैं आप कि ये कलर चेंज होते जा रहे हैं इसके। इसमें थोड़ा सा पर्पल मिलाया मैंने, ये शेड डार्क, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, और आगे बिल्कुल लाइट करने के लिए थोड़ा सा वाइट मिला दे। ये हो गई लाइट, ठीक है। ऑरेंज, ज़्यादातर हम बॉडी टोन बनाने में ऑरेंज यानी कि येलो, हल्का सा रेड, रेड ज़्यादा हो गया, ये येलो बढ़ा दिया मैंने, और इसमें हल्का सा ब्राउन। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल, ये बॉडी टोन के लिए डार्क टोन, फिर इसी में हम बढ़ाते जाए ये लाइट टोन होती गई। तो ये थे कलर के कुछ फंडे जो सारे लाइट एंड डार्क शेड्स पे डिपेंड करते हैं। आइए तो इसी जो बना हुआ है सामने इसी पे हम कुछ मिला के पेंटिंग बना देते हैं इसकी। तो थोड़ा सा इसको मैं वाइट कर लेता हूँ ये। तो अब जो कुछ भी सामने दिख रहा है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? अगर मुझे इसी की पेंटिंग बनानी हो तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये मैंने ब्राउन के साथ मैच किया, इसमें कुछ नहीं कर रहा, मैं वाइट मिलाते जा रहा हूँ और अपने आप एक कलर फॉर्म तैयार होते जा रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा सूख चुका है येलो, तो मैंने फिर से उसको ड्राई कर लिया है, ड्राई था उसको फिर से गीला कर लिया, इसमें वाइट मिलाया, ये चलते गया।
से आराम से हमने कुछ कलरों के मिक्स से एक हल्की सी पेंटिंग करी थी। कलर्स के शेड आप जैसे भी खेलें तो बगैर सोचे बगैर कोई डर रखे, जब भी आप ब्रश चलाओगे और जो भी निकल के आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब हमारी शुरुआती दौर है तो हमें कलर पे अपना हाथ सेट करना है, कलर की शेड्स जानने हैं और ब्रश की प्रैक्टिस करनी है। तो ये भूल जाइए कि बहुत फाइन आर्ट वाला आप काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में इतना भी गए आप तो ये अपने आप में खूबसूरत पेंटिंग दिखती है। और देखा जाए तो पेज पे मैंने बिल्कुल वो मारा है, तो कोई उसकी ना बॉर्डर है ना बैलेंस है, बस करते चला गया हूँ और ये है। तो ये थी आज की ड्राइंग और कुछ कलर्स के बारे में जानकारी। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, बाय।